तो ये है थारा सच जो अंदर ही अंदर तुझे खा रहा था, जिसकी वजह से तू हर बार घर छोड़ के जाने की बात करती थी। अति वो आगे मत आना, एक कदम भी आगे मत आना। कुछ गुनाहों का प्राश्चित नहीं होता, उन्हें सिर्फ और सिर्फ सजा मिलती है। दादी अब कुछ नहीं बोलेगा तू, अपनी गृहस्थी का खिलवाड़ बना के रखा है। हर वक्त झूठ, हर वक्त धोखा। आज मैं ये आंख पिचोली हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। एक बार आप सब मेरी बात तो सुन लीजिए। हाँ, इच्छा एक नागिन है। लेकिन दादी, इसके नागिन होने की वजह से इसकी सारी अच्छाइयां खत्म नहीं हो जाती। इच्छा में आज भी वो हर गुण है जो इंसानों में होते हैं। और दादी, इच्छा ने आज तक इस घर के लिए इतना कुछ किया है। पानी फिर क्या उन सब पर, झूठ और धोखे की आड़ में की भी अच्छाई किसी काम की नहीं होती। छोरा, जब विश्वास टूटता तो हर रिश्ता टूटता। बोल दे अपनी नागिन पत्नी को कि उसे आज इसी वक्त ये घर छोड़कर जाना होगा। इसी बात का डर था दादी, मैं जानती थी आप मेरे सच के साथ मुझे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। सदियों से इंसानों ने नागों को गलत समझा है, नागों से नफरत की है, फिर नाग कुल की इच्छा को अपनी बहू मानने का तो सवाल ही नहीं उठता। इसलिए आज तक मेरी हिम्मत नहीं हुई दादी। मैं इस घर से आप लोगों से बहुत प्यार करती हूँ, आप लोगों से दूर जाने की कल्पना भी नहीं कर सकती। आज तक चाह कर भी सच नहीं बता पाई। कुछ नहीं सुनता मुझे, कुछ नहीं सुनता। आज तू भले ही मुझे डस ले, लेकिन तुझे आज ये घर छोड़कर जाना होगा। नहीं दादी, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। बस एक आखिरी बात सुन लीजिए, मैं इंसानी बच्ची हूँ दादी, इंसानी बस्ती में मेरा जन्म हुआ है, लेकिन एक इच्छाधारी नागिन ने अपने स्वार्थ के लिए मेरा अपहरण किया। मुझे एक इच्छाधारी नागिन बनाया और मुझे कोई दुख नहीं है दादी कि मैं एक इच्छाधारी नागिन हूं। ना ही मुझे शर्म आती है खुद को नागिन कहलाने में। मेरी जिंदगी का एक ये सच है जो एक बात कहूं छोरी, भले ये सब सच हो कि आज किसी बात पर विश्वास करने का मन नहीं करता। चली जाए यहां से। लेकिन क्यों दादी? दादी इच्छा सच बोल रही है और आप पिताजी, पिताजी अब दादी को कुछ समझाइए ना, समझाइए उन्हें। क्या समझाऊं उनको, क्या समझाऊं मैं? बहुत बड़ी गलती की है इसने, इंसानों के घर में नागिन बहू मारे से तो सोचा भी ना जा रहा।
सबल भैया, आप इच्छा को अपनी छोटी बहन मानते हो ना, तो आप चुप क्यों हो? बोलिए कुछ। नहीं बब्बल, गलती तो इच्छा से हुई है और मैं इतना बड़ा नहीं हुआ कि दादी की बात को काट सकूं। भाभी, भाभी आप तो देवर जी, माना इच्छा ने इस घर के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन इस घर ने भी उसे छत दी, आधार दिया, उसकी हर गुस्ताखी को माफ किया, उसके हर झूठ को सच माना। मुझे तो लगता है इच्छा ने हमारी सच्चाई का गलत फायदा उठाया है। सुन लिया छोरा, सुन लिया, हमारी दादी गलत हो सकती है लेकिन पूरा परिवार गलत नहीं हो सकता। इच्छा को यह घर छोड़कर जाना होगा, ये हमारा अंतिम फैसला है। ठीक है दादा। अगर इच्छा चाहिए तो मैं भी नहीं रहूंगा। मैं भी इच्छा के साथ जाऊंगा। बब्बल, दादी प्लीज। नहीं बब्बल जी, आप कुछ नहीं बोलेंगे। अब ये घर ही नहीं चाहता कि मैं यहां रुकूं। जबरदस्ती रिश्ता जोड़े रखने का क्या फायदा? मैं जाऊंगी, लेकिन हाँ, अकेले जाऊंगी। आपने मुझसे वादा किया है बब्बल जी, आप मेरी खातिर घर वालों को कभी नहीं छोड़ेंगे। जा रही हूँ दादी, बस कुछ यादें अपने साथ लेकर जाने की इजाजत चाहती हूँ। वो तो आप देंगी ना? गलत है। जब से होश संभाला है तब से केवल अच्छाई की है मेरी सपोली ने, उसका ये फल नहीं हो सकता। नागोमी देव, ये कैसी सजा है? मेरी सपोली की प्रेम कहानी का अंत ऐसे तो नहीं हो सकता ना?
माना कि उसने अपने परिवार वालों से झूठ बोला, पर उसका इरादा कभी गलत नहीं था और उसने तो उनके लिए अपनी जान तक दी है, और आज वही घर वाले उसके साथ इस तरह। नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। नागिस्तान की चाहे जो भी मर्यादाएं हो, लेकिन आज एक बाप अपनी सारी मर्यादाएं भूलकर इंसानी बस्ती जाएगा। छोटे छोटे दो हाथों में तू क्या ले जाएगी इच्छा, खुशियां क्या आंसू, रिश्ते वादे अपनापन, जितना इन्हें समेटने की कोशिश करेगी चीजें उतनी ही पीछे छूटेंगी। ऐसे कैसे छूटेंगी, मैं भी जिद्दी हूं, इस घर का एक एक कोना अपने साथ ले जाऊंगी। आदिति दाद, सबल भैया का भूलना, प्रबल भैया का ऊंचा सुनना, पिताजी की पहलवानी और अप्पू, अप्पू की शरारते, उसका प्यार, वो भी तो साथ ले जाना है। अपनी जान देकर एक एक चीज जमा की है मैंने अपने हिस्से में, और आज सब कुछ छोड़कर जा रही हूँ। क्यों रो रही है इच्छा, क्यों तू ऐसे रो रही है जैसे कि कभी? तू जानती थी एक दिन ऐसा आएगा, तूने जितना पाया है सब कुछ खोना पड़ेगा, फिर तू क्यों रो रही है? अप्पू तू रो रहा है? रो ले बेटा, आज तो पूरा घर रो रहा है। हमारे प्यार के बदले इतना बड़ा धोखा जो दिया है उसने, 8 महीनों में ये घर तो उसका हो गया, लेकिन वो इस घर की नहीं हुई। हमारे जज्बातों का मजाक उड़ाया है उसने। तू तो उसे अपनी बेस्ट फ्रेंड मानता था ना? मानता था नहीं मम्मी, मानता हूँ। इच्छा चाची अभी भी मेरी बेस्ट फ्रेंड है, अब प्लीज जाकर उन्हें रोक लीजिए सिर्फ एक बार। अरे नहीं हो सकता अप्पू, दादी का फैसला जानता नहीं क्या तू? पत्थर की लकीर होता है वो। चाचू अब बड़ू नहीं तू मुझे सिखाया है, गुस्से में लिया गया कोई भी फैसला सही नहीं होता। चाचू आप ही मुझे बताइए, क्या एक झूठ हजारों अच्छाइयों पर पानी फेर देता है? और फेर देता है पानी, और छोटा मोटा झूठ नहीं है ये, बहुत बड़ा झूठ है। पूरे घर की नींव को हिला के रख दिया उसने, और तू क्या तरफदारी कर रहा है इच्छा की? तेरे को गुस्सा नहीं आ रहा क्या उस पे? उसका इतना बड़ा सच सामने आया है। चाचू शायद आपके लिए नई बात होगी, पर मैं तो बहुत पहले से जानता था चाची एक इच्छाधारी नागिन है। अप्पू तू ये क्या बोल रहा है, तेरा दिमाग तो, तू उसे बचाने के लिए झूठ बोल रहा है? नहीं मम्मी, मैं वाकई में बहुत पहले से जानता हूँ कि। तो तूने पहले क्यों नहीं बताया? हे शिव जी, इच्छा ने तो इस छोटे बच्चे से भी झूठ बुलवा लिया। नहीं मम्मी, चाची जी मुझे आज तक किसी से कोई झूठ बोलने के लिए नहीं कहा।
मैंने तो अपनी मर्जी से झूठ बोला था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि इच्छा चाची घर छोड़कर जाए। आप जानती नहीं है मम्मी कि जिन पर आप आज गुस्सा हो रही है उन्हें इच्छा चाची की वजह से आज आपका बेटा जिंदा है। मतलब मतलब इच्छा बचा लो अबू। उसी दिन से हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स बन गए। पिताजी ना बब्बल ना, बात मत कर हमसे, इच्छा को छोड़। तू तो हमारा बेटा है ना, तुझे एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि सच बता देना चाहिए? वो बात छोड़ो, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि तूने नागिन को अपनी बीवी माना कैसे। माँ, पिताजी, इच्छा कोई साधारण नागिन नहीं है, वो एक इच्छाधारी नागिन है। वो इंसानी रूप ले सकती है और एक इंसान बनकर इंसानों की तरह इंसानों के साथ रह सकती है वो। फिर भी, और माँ आपके सुनानी उसने क्या कहा, वो जन्म से एक इंसान है, वो तो किसी के छल की वजह से। खैर छोड़ी, मैं आपको सफाई देने नहीं आया। तो क्यों आया है? है? आपको किसी से मिलाना है। आइए। नमस्ते। नमस्ते। ये कौन है? ये इच्छा की माँ। सिप्लीज। वाह जी वाह, बेटी से बात ना बनी तो माँ चली आई बेटी की वकालत करने। आप गलत समझ रहे हैं, मैं यहाँ अपनी बेटी की तरफदारी करने या उसकी अच्छाइयाँ गिनवाने नहीं आई हूँ। मैं यहाँ एक माँ से एक माँ का दर्द बांटने आई हूँ, और कोई मेरी बात समझे या ना समझे, लेकिन आप मेरी बात जरूर समझिएगा, क्योंकि एक माँ के लिए अपने बच्चों से बढ़कर कुछ नहीं होता। आपका बब्बल और मेरी इच्छा, उन दोनों को हम अलग नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी जिंदगियां ही नहीं बल्कि उनकी सांसें भी एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। मतलब? आपको याद है दिवाली की वो रात? बब्बल इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था, वो तो मेरी सपोली इच्छा, उसे खींचकर वापस लाई थी अपनी आधी जान देकर। एक तरफ बब्बल की अर्थी उठ रही थी और दूसरी ओर मेरी इच्छा की जान निकल रही थी। ये केवल नागिस्तान की ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे कठिन विधि है, इसमें इच्छा की जान भी जा सकती थी, पर इच्छा ने अपनी जान की परवाह नहीं, क्योंकि उसका प्यार उसके डर और स्वार्थ से कहीं ऊंचा था। सच कह रही है, मेरे शरीर में आज भी इच्छा की आधी जान है। बापन, जिस लड़की ने आपके बेटे को एक नई जिंदगी दी, क्या आप उसका एक झूठ माफ नहीं कर सकते? प्लीज दादी को समझाइए, रोकिए इच्छा को, क्योंकि मैं जानता हूं मैं अकेला नहीं, आप सब इच्छा से बहुत प्यार करते हैं। रोकिए इच्छा को प्लीज।